Conference will now be recorded. The topic today I'm going to talk on the research design as well as how to write a research proposal. So I would start with a research design. That what is research design and why do we need a research design? Now, research design is a strategy for conducting research. It spells out the basic strategies. अच्छा मुझे एक चीज और I think I have to be bilingual or I can speak in English only. Bilingual होना चाहिए. दोनों भाषाओं को mix करके बोलूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Yes ma'am, should be bilingual. Okay, thank you. So ये research design एक तरह की रूपरेखा होती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. सबसे पहले सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रिसर्च है क्या. रिसर्च है इंक्वायरी विद एविडेंस. जो स्कॉलरली रिसर्च होती है वो रिसर्च जो होती है वो एक तरह की इंक्वायरी होती है. एक प्रश्न जो हमारे मन में आता है और खासतौर से क्योंकि मैं सोशियोलॉजी से हूँ. मेरा डिसिप्लिन सोशियोलॉजी. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी. सो यू नो वी फॉर सोशल साइंस आई वुड बी टॉकिंग अबाउट ऑल माई एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस एंड सोशियोलॉजी. So it's very important that how do we do research in social sciences. There are a lot of questions which keep coming over to our mind ki ye aisa kyun ho raha hai. For instance abhi jaise COVID-19 hua to COVID-19 ke sath hamare mann mein bahut sare sawal uthe. Hamare sawal uthe hamare public health policy ko leke. Hum janna chahte hain ki itna bada collapse kyun hua. Hamare mann mein sawal uthe PDS ko leke, public distribution systems ko ये. लेकिन रिसर्च सवाल जो उठता है उस रिसर्च सवाल को उस प्रश्न को हमें जो बैकअप करना पड़ता है वो एक अच्छी रीडिंग से. मतलब जब तक हम उसके बारे में जाने समझे. लेकिन ये जिज्ञासा जो जिज्ञासा होती है जानने के लिए उसको रिसर्च कहा जाता है. रिसर्च जो है वो जिज्ञासा से थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि ये कार्यबद्ध होती है, रूपरेखाबद्ध होती है. इसका एक डिजाइन होता है, इसकी एक स्ट्रेटजी होती है, इसके एक स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम एक सिस्टमेटिक कंक्लूजन पे पहुंच पाए. जो जरूरी नहीं है हर रिसर्च सवाल हमको सोल्यूशन पे ले जाए. और समाजशास्त्र में तो कहा जाता है कि हमें कारणों पे काम करना होता है ना कि हमें निवारणों पे काम करना होता है. हमारी जो रिसर्च होती है वो सिर्फ पॉइंट आउट करती है कि ये इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ये इस समस्या के होने के ये कारण है. और अगर हम इन कारणों पे काम करें तो शायद हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं. सो इसलिए रिसर्च डिजाइन जो होता है वो बेसिकली उन स्ट्रेटजीज की बात करता है जो कि एक रिसर्चर अपनी रूप जो अपने रिसर्च में लाता है और जिसके द्वारा वो उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है. अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होती है रिसर्च डिजाइन के कुछ स्टेप्स होते हैं और तभी आप उस उत्तर पे पहुंच पाएंगे. उसकी एक मेथडोलॉजी होती है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है. दूसरी बात है कि एक रिसर्च डिजाइन जो होता है वो कैसा होना चाहिए. पहले मैं उसकी क्वालिटीज पे बात करूंगी और फिर वो किस तरह का होना चाहिए वो मैं बताऊंगी. सबसे पहले हम रिसर्च क्यों करते हैं. रिसर्च इसलिए की जाती है क्योंकि उसको एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस माना जाता है जो कि किसी भी तरह के बायस से मुक्त है. और दूसरी बात है जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उनको कंट्रोल करने की बात की जाती है. एक जो हाइपोथेसिस मेरे दिमाग में है, जो सवाल जो प्रश्न मेरे जहन में आया उसको हम कैसे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हैं वो एक इम्पोर्टेंट इसकी पहलू होता है. तो कितने प्रकार की रिसर्च होती है. एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशनल सर्वे रिसर्च ये मैं सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं. और भी तरह के रिसर्चेस होती हैं, एक्सप्लोरेटरी भी होती है, डिस्क्रिप्टिव भी होती है, बहुत तरह की होती है. सोशल साइंसेस में मुख्य तौर पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं किसी सवाल के साथ और हम देखना चाहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक अनकंट्रोल ग्रुप होता है जिसकी हम एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं. कोरिलेशनल रिसर्च वो होती है जिसमें हम दो वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं और उसमें हम ये बताते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका कॉज क्या है, इसको हम कैसे जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स पे उसकी बात करते हैं. सर्वे रिसर्च होती है और आजकल आप देखते होंगे सर्वे रिसर्च का प्रयोग बहुत होता है. आप जैसे ही इवन जब आप इस मीटिंग से हटेंगे
तो आपके पास एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आ जाएगा कि ये मीटिंग कैसी थी, आपको कितना समय लगा इस ऐप को डाउनलोड करने में, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इस ऐप के साथ, गो टू मीटिंग के ऐप को यूज करके आपको कैसा लगा. सो यू नो दीज आर ऑल एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस विच आर वेरी स्मॉल काइंड ऑफ रिसर्चेस बट दे आर पॉइंटिंग टू सम स्पेसिफिक क्वेश्चन. अब आते हैं हम दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिसर्च जिसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं. माफ कीजिए मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं मालूम है. एथनोग्राफिक रिसर्च जो है सोशल साइंस में अक्सर हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो है हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं. और एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वुमेन स्टडीज, फेमिनिस्ट स्टडीज या हम केस स्टडी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमारे जो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं वो ऑब्जर्वेशन होती है, केस स्टडीज होते हैं, नरेटिव्स होते हैं, जिससे कि हम एक सिस्टमेटिक एनालिसिस के थ्रू एक हम थ्योरी पे एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं. इससे थ्रू हम एक थ्योरी की कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर औरतें ये महसूस कर रही हैं कि वो सब्जुगेटेड हैं तो वो क्यों महसूस कर रही हैं, तो हम उसमें उनकी जीवनी एवरीडे लाइफ जिसको कि जिसको सांड्रा हार्डिक ने कहा है फेमिनिस्ट एम्पिरिसिज्म, जिसको उन्होंने कहा है फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, कि हम किसी भी सोशल फिनोमेना को अगर हम एक फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू समझते हैं तो एथनोग्राफिक रिसर्चेस होती है. एथनोग्राफिक रिसर्चेस का समय लंबा होता है, इसमें आपको फील्ड में ज्यादा रहना पड़ता है बिकॉज आपको चेक करना रीचेक करना पड़ता है. और क्योंकि जब आप समाज शास्त्र में या सोशल साइंसेस में जब आपकी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो उसकी एक अपनी नौवियत होती है, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपनी बात जब आप कह रहे हैं किस परिपेक्ष में कह रहे हैं और जो आपका रिस्पोंडेंट उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी क्या मनोस्थिति थी, प्रस्थिति थी, उसकी क्या सोशल सेटिंग थी, कल्चरल सेटिंग थी, सो दैट टू अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स. देन देयर इज एक्शन रिसर्च. आजकल एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि तुरंत तुरंत आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, तो ये रिसर्च जो है दो तरह की चीजों में आती है. एक तरह से एक्शन रिसर्च भी आती है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आती है कि वो तुरंत इम्प्रूवमेंट करते हैं फिर अपनी स्ट्रैटेजी में कि हमें लोगों तक कैसे पहुंचना है. इन जो मैंने आपको बातें बताई कि किस तरह की रिसर्चेज होती है, हम इनको तीन तरह की रिसर्चेज में बांट सकते हैं फॉर द डिस्क्रिप्टिव, एसोसिएशनल और इंटरवेंशन टाइप स्टडीज. अब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज वही होती है जिसमें आप बहुत डिटेलिंग करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया एथनोग्राफिक स्टडीज होते हैं जिसमें आपके मन में कोई सवाल होता है उस सवाल का आप जो जवाब है बड़ी तसल्ली से डिस्क्रिप्शन के द्वारा देते हैं. एसोसिएशनल स्टडीज होती हैं जो हमें ज्यादातर जो है वो हम क्वान्टिटेटिव रिसर्चेज में यूज करते हैं, जिसमें क्योंकि सोशल साइंसेज में हम दोनों तरह के मेथड्स को यूज करते हैं, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव. और आजकल जो ज्यादा प्रचलन है वो मिक्स्ड मेथड्स का है, और मिक्स्ड मेथड्स को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा है उससे उसको हम क्वालिटेटिव डेटा से सपोर्ट करते हैं, या ये भी कह सकते हैं हम क्वालिटेटिव मेथड्स को आंकड़ों से सपोर्ट करते हैं क्योंकि आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रपोजल जमा करने गई, तो क्योंकि मैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा जो प्रपोजल था वो ज्यादा उसकी जो मेथडोलॉजी थी वो क्वालिटेटिव थी, और इन लोगों के सामने कभी क्वालिटेटिव मेथड्स आए नहीं थे. दे ऑलवेज हैड अ क्वांटिटेटिव नंबर्स मैटर्ड. बट व्हेन आई टोल्ड देम दैट मैं तो बस भाई 20-30 केस स्टडीज करूंगी, तो उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि एक साल में आप केवल 20 या 30 केस स्टडीज करेंगी, जबकि 20-30 केस स्टडीज भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा थी. और मेरी काफी लोगों से बहस चली, उनको लगा नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम क्या कहेंगे कि हमने साल भर में सिर्फ 20-30. You know, they were more interested in numbers. Then we had a solution that, okay, we will do mixed methodology. Here we will have a survey method also where we will do not even, because jo hamare respondents hain, unke saath hum survey bhi nahi kar sakte. Hamare jo respondents the, wo bachche hain aur unke saath hume interview schedule karna hoga kyunki survey methods mein form khud bhara jata hai. So, you know, these are the angularities, these are the technicalities which come when we design our research. When we formulate our research proposal, so this research design should be kept in mind. Now, when I said that intervention, so you know there are intervention studies. जो जितनी अभी studies हो रही हैं, जो बड़ी जल्दी जल्दी हो रही हैं, especially COVID-19 को लेके आपने देखा होगा कि इतने सारे webinars हुए. अब actually technically ये webinars जो हैं, इनके basis जो होने चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई research होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कह सकें कि ओके, यू नो ये सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट है.
मेडिकल इम्पैक्ट तो हमें दिख रहा है, लेकिन सोशो कल्चरल सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा, तब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इफ वी सी दैट रिसर्च डिजाइन में अगर हम छोटी मोटी चीजों को देखें तो वो एक लार्जर स्ट्रैटेजी है कि हम कैसे अपना रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। इंटरवेंशन स्टडीज जैसे मैंने बताया कि उनकी इफेक्टिवनेस, आपको अगर ये देखना है कि आपने आपका जो करिकुलम है उसको कैसे आप देखेंगे, आपको करिकुलम पढ़ा रहे हैं, इंटरवेंशन आपको चाहिए, आपको उसको इम्प्रूव करना है, तो जनरली फीडबैक स्टडीज जो होती है वो इंटरवेंशनिस्ट होती है नेचर में, बिकॉज फीडबैक गिव्स अस अ वो जो उसकी इफेक्टिवनेस। से फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक कि मेरे टीचिंग मेथड्स क्या हैं क्लास में, तो मैं एक फीडबैक फॉर्म भरूंगी, उसमें मैं देखूंगी मेरी डिलीवरी के मेथड्स क्या हैं और मैं अपनी मेथडोलॉजी को यूज करूंगी स्टूडेंट्स से बात करने की कि इससे मैं कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकती हूँ उनके फीडबैक के। दैट दीज आर ऑल इंटरवेंशनिस्ट स्टडीज। एंड इन सोशल साइंसेस जनरली वी use both now because interdisciplinary is there, so we use both kind of methods in our research design so that we come to a conclusion which is authenticated. Now it's very important part of a research to see verifiability. Of course we are dealing with human beings, you know, things can change. अगर मैं आज किसी respondent से बात करती हूँ, especially I'll tell you from my own experience, मेरी जो research है, तो ज़्यादातर gender studies में located and in gender studies I have tried to talk about violence against women, and this violence especially I have referred to social conflict, जो मेरी जितनी study रही है. Now when I'm talking about social conflict and when I'm talking to the victims of violence, it's very different. When you talk to them in the ongoing phase of violence, it is very different when you talk to them in the post-violence phase, and it is very different if you talk to them after 10 years, 20 years. So, you know, the mind changes, the social context changes. So, in social science, we have to keep all these things very important. Now, you would say that how can we verify? That's an important question because research is to be authenticated and it has to be verified. So verifiability is that, you know, verifiability is very important. Verifiability is important in a sense because what do we do with our researchers? हम अपने researchers को क्या करते हैं? चाहे वो PhD research है, चाहे वो research project है, social sciences में ये सारे studies जो हैं policy intervention के काम आते हैं। उनको bureaucrats use करते हैं, उनको policy makers use करते हैं, उनको politicians use करते हैं, उनको educators use करते हैं, ताकि वो जान सके, वो समझ सके और वो जो है उस प्रॉब्लम का हल भी सके। तो सोशल साइंस के रिसर्चर्स का एक रेलेवेंस होता है जो बहुत ज्यादा इस तरह से, जैसे मेडिकल रिसर्चर्स होते हैं, टेक्निकल रिसर्चर्स होते हैं, उनके रिजल्ट तुरंत तुरंत आपको अपने मोबाइल की इंप्रूवमेंट नजर आ जाती है। उसकी जो R&D होती है वो एक साल होती है, दो साल होती है, एक साल आपने किसी केमिकल पे काम किया, उसका सक्सेस यस एंड नो आ गया। लेकिन सोशल साइंसेस जो रिसर्चेस होती हैं, खासतौर से एथनोग्राफिक रिसर्चेस जो होती हैं, ये बड़ी लंबी रिसर्चेस होती हैं। मेरे कुछ कोलीग हैं जिन्होंने 10-10 साल तक फील्ड वर्क किया है, लेकिन क्योंकि रिसर्च टाइम बाउंड भी होती है, तो सोशल साइंसेस के रिसर्चेस का जो टेन्योर होता है वो लंबा होता है, इन डेप्थ होता है, इंटेंसिव होता है, उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लग सकता है। बट क्योंकि वायलेंस कैसे इम्पैक्ट करती है वो जनरलाइजेशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और वायलेंस कैसे होती है, क्यों होती है, इन कारणों को अगर हम जानेंगे तो हो सकता है इसमें हम पॉलिसी इंटरवेंशन में कुछ बात कर पाएंगे, कुछ इस मसले का हल ढूंढ पाएंगे। नाउ आई कम टू अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लेक्चर, दैट इज हाउ डू वी फॉर्मुलेट रिसर्च प्रपोजल। हम रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। नाउ रिसर्च प्रपोजल कैन बी बोथ, यू नो, योर PhD प्रपोजल, मेनी ऑफ यू आई थिंक हैव डन योर PhD बिकॉज़ इट्स फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप, बट देन देयर वुड बी सम हु आर स्टिल वांटिंग टू डू देयर PhDs। सो इन दैट केस व्हाट यू डू,
you know, how do you formulate research proposal? The first thing is, when you start writing your research proposal, or even if you start writing an article, so कुछ शब्दों में अपने दिल के अंदर जो विचार आ रहा है उसको लिखिए. Because मैं ये assume करके चल रही हूँ विनीता, that all of us are from social sciences. So you know, you write 500 words कि मैं क्या करना चाहती हूँ, and how I am going to do about that. Now a research proposal needs an outline. And research proposal जो सबसे पहले important होता है कि हमें अपनी theme की identification. What am I going to study? And that is very important, because ये जो theme होती है वही आपके research proposal की अहमियत को बढ़ाती है, वैल्यू को बढ़ाती है. इट शुड ऑलवेज बी कंटेम्प्रेरी. मेरी बहुत लोगों से शिकायत है जो बहुत पुराने टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं, घरेलू हिंसा, दहेज, या फिर यू नो डोमेस्टिक वायलेंस. ऑल दीज थिंग्स आर यू नो, इवन इफ आई एम नॉट सेइंग कि हमें इन पे रिसर्च नहीं करनी चाहिए, अगर हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए तो इसका एक नया पहलू हमारे सामने होना चाहिए, हम किस पहलू में, किस परिप्रेक्ष्य में इस रिसर्च को करना चाह रहे हैं. सो यू नीड अ वेरी वेरी साउंड टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रपोजल, एंड योर रिसर्च प्रपोजल शुड बी समथिंग विच शुड रिफ्लेक्ट द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग और द कमिटमेंट ऑफ स्टडी. व्हेन आई से इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, व्हेन आई राइट माई रिसर्च प्रपोजल, मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है. मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरी जानकारी, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा है. और हमेशा रिसर्च, प्लीज एम्फसाइज, आई विल एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड रिसर्च. तो ये क्या होता है, जो सर्च हो रखी होती है उसकी रिसर्च होती है हमेशा. एंड सबसे पहला सवाल अपने आप से ये करें जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई प्रपोजल लिखने जा रहे हैं, कि मेरी रिसर्च इस एरिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको वो कैसे आगे बढ़ा रही है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च टाइटल या टॉपिक तय करने से पहले, दैट यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. नाउ हाउ विल यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप ये सवाल तभी अपने आप से कर सकते हैं जब आपने उस रिसर्च, उस टॉपिक के बारे में पढ़ा. मसलन जब मैंने रिसर्च की हाफ विंडोज पे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने हाफ विडोज पे रिसर्च की और जब मेरा प्रपोजल ICSS आ गया, तो लोगों को हाफ विडोज के बारे में नहीं पता कि हाफ विडोज क्या होती है. ये एक नई कैटेगरी है जो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में है, जिसकी स्टडी खाली हिंदुस्तान में भी हुई है. कुछ लोगों ने उसको किया है, मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में किया है, लेकिन कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में अभी अब होने लगी है. पिछले 10 साल में काफी इस पे काम होने लगा है, लेकिन फिर भी साइड सीरिया में है हमारे पास इसकी स्टडीज की साइड में. तो ये टर्म कहाँ से आया, इसके बारे में जानकारी इम्पोर्टेंट थी उसके बाद. और क्योंकि ये एक नया, हमेशा बिकॉज व्हेन वी से रिसर्च, तो आपके रिसर्च में एक नया वन होना बहुत जरूरी है. तो बात हुई कि और मेरा प्रपोजल जो होना चाहिए वो एक लीडरशिप को डेमोंस्ट्रेट करना चाहिए. लीडरशिप, मैं ये नहीं कह रही कि आपको लीडर है बोला, सेंस कि एक नया जैक, जिसमें भी जैसे मैंने काम, मैं मुझे बहुत अभी भी याद है अपने सुपरवाइजर की बात, जब मैं अपना एमफिल का रिसर्च की थी तो मेरा टॉपिक था कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो वो मैंने लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे किया. जब मैं PhD पे करने लगी तो मेरे फिर सुपरवाइजर ने पूछा कि आपको किस पे काम करना है. मैंने कहा सर मुझे कम्युनल वायलेंस पे काम करना है. तो मेरे सर बोले, मेरे टीचर बोले कि भाई ये तो बहुत सैचुरेट हो चुका है, आप कुछ नया पहन देते हैं इसके ऊपर ये. तो देन उस वक्त ये 93 की बात मैं कह रही हूँ, 93 में फिर मैंने जो है मैंने सोचा ठीक है सर, मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड कम्युनलिज्म फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव, मैं वुमेन विक्टिम्स की स्टडी करूंगी. और रियलिस्टिक भी होना चाहिए आपका प्रपोजल कि आप कर पाए. ये नहीं है कि आपने कुछ ऐसा टाइटल और या कुछ ऐसा टॉपिक सोचा जिसको आप आगे रिसर्च नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो बिफोर यू स्टार्ट योर रिसर्च यू शुड बी रियलिस्टिक इन ऑल्सो आइडेंटिफाइंग योर टॉपिक. So when I decided to work on my topic impact of communal violence on women, that was 93, there was hardly any study in India which was done on it. It was only EPW 92 mein chapa tha, jisme Ritu Menon
की कुछ आर्टिकल्स थे, उन तीन आर्टिकल्स पे मुझे सिनॉप्सिस लिखने के लिए बोला। मुझे एक साल लगे अपना सिनॉप्सिस लिखने में, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पा रही थी, मेरे पास इतना लिटरेचर नहीं था। बट देन विद द हेल्प ऑफ माय सुपरवाइजर आई वाज एबल टू राइट एंड डू अ सिस्टमैटिक रिसर्च। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिकॉज इट वॉज अ न्यू आस्पेक्ट कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कम्युनलिज्म फ्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव। सो इट वॉज वेरी well taken by people. Similarly, my study on happy days was very well taken by ICSSR because it was talking about new dimension of violence. कि happy days क्यों होती हैं, कौन होती हैं, इन्हें क्यों कहा जाता है happy days और इनकी everyday life experience कैसे, इनको कैसे conflict ने impact किया उसके study. तो ये जो चीजें हैं that is leadership in a sense कि नया topic which would give a new direction to that particular सोशल फिनोमेना। एंड सो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो चीज होती है रिसर्च प्रपोजल की, एक तो होती है उसकी वो कि ये टॉपिक में एक नयापन होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, और उसके बाद जो उसकी इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की कैपेसिटी रिसर्चर की भी उसके प्रपोजल से रिफ्लेक्ट होती है, और वो अपने आइडियाज को कितने क्लियरली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन, अभी तक जो हमने बात की कि हमने रिसर्च प्रपोजल की इंट्रोडक्शन की बात की कि हमारा टाइटल क्या है और हम किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हमारे फर्दर जो हमारे जो सब्जेक्ट है या डिसिप्लिन है उसकी उपयोगिता में। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वही अच्छी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है वही बहुत अच्छी रिसर्च होती है, नहीं। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर, एज अ स्कॉलर उनको जाननी चाहिए। कई बार हम इस लोग में आ जाते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है बड़ी जार्गनाइज होनी चाहिए, बट लेट मी टेल यू जितनी जार्गनाइज लैंग्वेजेज होती हैं वो उतना ही इम्पैक्ट नहीं कर पाते। एज अ स्टूडेंट आई वुड से कि मुझे कभी भी बहुत जार्गनाइज लैंग्वेज जो है वो कितने भी अच्छे ऑथर की हो वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, और ना मैं उसमें उतना समझ पाती हूँ, बिकॉज यू नो यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। सो दी इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो लिखने की आपकी जो क्षमता है वो कैप्टिव होनी चाहिए, जिसको कि लोगों को लगे कि एक सेंटेंस के बाद मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ूँ, पैरा के बाद दूसरा पैरा पढ़ूँ, ये एंड ऑल दिस कम्स बाय मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जब भी हम अपना रिसर्च प्रपोजल लिखें उससे पहले हमें रीडिंग करनी है, हमें अपनी आर को कंप्लीट करना है, रीडिंग करनी है, फिर हमको राइटिंग करनी है। सो वी हैव टू रीड एंड गेन अ क्लैरिटी कि हम क्या सवाल उठाना चाह रहे हैं, और अगर जो सवाल हम उठा रहे हैं उसको हम किस तरह से उस सवाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमको तय करने और उन जो ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे एम्पीरिकली स्टडी करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। So, a research proposal should have a very, very clear working title of the proposal, whatever it is. A clear statement about, second very important thing is a clear statement about what you want to work on and why it is important, interesting, relevant, and realistic. So, this is also in short called significance of doing research. आप जिस पे research करना चाह रहे हैं उस पे एक statement होनी चाहिए कि ये क्यों important है, इंटरेस्टिंग है, रेलेवेंट है और रियलिस्टिक है। उन चार सवालों का आपको जवाब उसमें देना है कि इसके में, और ये हम कैसे देते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो हाइपोथेसिस प्रपोजिशंस के थ्रू हम बात करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस के थ्रू हम उनकी बात करते हैं, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जवाब आप देते हैं कि हमारी रिसर्च क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक योर रिसर्च विल मेक, आपकी रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट, क्या सिग्निफिकेंस है, आपकी रिसर्च से क्या होगा, उसका जवाब हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। एंड ये सवाल, इस पे आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल अपने से जरूर पूछिए रिसर्च करने से पहले कि मैं इस पे रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में टिकना पड़ता है रिसर्च का। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जब कहते मैम आप कोई टॉपिक बता दीजिए तो आई नेवर टेल देम, मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च का टॉपिक नहीं बताता। I tell them to find the topic on their own, whatever interest. It could be anything. जो भी आपको
जिसपे आप जानना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज इट्स लाइक योर बेबी, जिसको आपको, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 4 से 5 साल तक बड़ा करना है, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2 से 3 साल तक आप उसको पालना है, और उसको उसके साथ आपको उसकी परवरिश करनी है और उसको बड़ा करना है और उसको एक लॉजिकल एंडिंग पे लेके आना है. सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो रिसर्च इज योर बेबी. सो गो इन टू रिसर्च वेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. And your research should also answer ki jo, how your research is fulfilling the gaps from the previous research. Like for instance, if I give you my example, jaise maine kaha ki maine study kiya half videos ka. To jab maine in half videos ka study kiya, to mere paas ek point tha likhne ke liye ki humne jab bhi armed conflict ki study ki, humne ya to uska impact dekha ya humne dekha women as a victims. Ye bhi women victims hai, lekin ye dusri tarah ke victims hai jisko state or society ne completely अनदेखा किया हुआ है. सो दे नीड एन अटेंशन बिकॉज दे आर हाफ विडोज. तो इनको ना तो रिलीफ मिल सकता है, ना इनको किसी तरह का हर्जाना मिल सकता है, ना ही ये कोई कॉम्पनसेशन की हकदार बनती, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है डिसअपीयर्ड है, उनको डेथ डिक्लेयर नहीं किया गया, वो मृत है ये साबित नहीं हुआ, वो जीवित है ये साबित नहीं हुआ, इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है. तो वो बीच की स्थिति में है, और इस सूरत में कोई भी कस्टमरी लॉ जो हमारे कंट्री में है, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, या कोई भी पर्सनल लॉ, उस लॉ के तहत वो अपनी वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि अभी उनका स्टेटस क्लियर हुआ नहीं है कि वो विडो है तो वो मैरिड है. तो ये बड़े नए एस्पेक्ट्स थे जो बड़े कन्विंसिंग थे, और ये बता रहे थे कि ये इस तरह की भी कैजुअलिटीज हो सकती है जिनको हमें देखना होगा. सो यू नो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च, इसको आप कह सकते हैं. हाँ, फाइंडिंग्स नहीं आप बात करें, आप सिर्फ सिग्निफिकेंस की बात करें कि मेरे नजदीक ये चीजें हैं जो इन सवालों का उत्तर देंगे, और हो सकता है कि हमें पॉलिसी इंटरवेंशन में ये मदद करें. बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सरोगेसी है जैसे, मसलन सरोगेसी पे हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन सरोगेसी से पे बात करने से पहले हमें ये भी देखना है कि क्या हमारी कंट्री सरोगेसी अफोर्ड कर सकती है, क्या हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है ऑर्फन्स की, हमें ऑर्फन्स के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और कैसे सरोगेसी ने हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया. सो यू नो दीज ये इस तरह की, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग, व्हेन वी से सोशियोलॉजी एंड वी से सोशल साइंसेज, सो बेसिकली सोशल साइंसेज एंड सोशियोलॉजी इज अ क्रिटिकल एंगेजमेंट विद सोशल फिनोमेना, एंड सोशल फिनोमेना के अंदर ही सोशल प्रॉब्लम. And very important is, जो भी आपने research topic लिया है, जो तय किया है अपना, उसका एक time bound relevance, research की relevance भी. जो research अपनी relevant time period में ना हो, तो उसकी जो है, for instance जो हम अभी लोग बात कर रहे हैं कि जी COVID-19 का एक साल में 1.5 साल में इंजेक्शन आ जाए, वो तो मेरा बहुत बड़ा सवाल है, क्या 1.5 साल तक हम क्या करें, हमें इसका जवाब दीजिए. और मेडिकल साइंसेस को हमें इसका जवाब देना चाहिए था कि व्हाट विल वी डू, हाउ वुड वी हैंडल, इज लॉकडाउन ओनली इज द सॉल्यूशन, एंड इफ लॉकडाउन हाउ व्हाई एंड व्हेन. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज अगर हम इसका जवाब अब 1-2 साल बाद लाएंगे, 2 साल बाद तो हमारी तैयारी ये रहनी चाहिए कि हम फ्यूचर एपिडेमिक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, फ्यूचर पेंडेमिक्स को हम कैसे, वी शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड, वी शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड. तो ये रिसर्चर्स का एक ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो इस तरह की सिचुएशंस को आगाह करें. वो रिसर्चर्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस. सो सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन इज, you know, we have talked about the title, it should be very clear, and objectives and how it is going to significance. Third important point is, when I am writing my proposal, I should have a background knowledge of the area, context of the area, and a key literature and key people who have worked on it. That is very important, and that should become the background, because whenever we do our research, we talk about two kind of resources, one is primary aur dusra secondary. To primary hamara jo hota hai wo field se bhi aata hai, aur lekin uski background bhi hamare paas reports honi chahiye, hamare paas literature hona chahiye jisse padh ke hum apni
उन सवालों को। अब आप ये कहेंगे कि मैडम अगर वो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ तो पूरा नहीं, हमने जो रिसर्च की जो पढ़ी तो उसमें कोई ऐसा सवाल हमें ढूंढना होगा जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ और इस पे हम काम करना चाहते हैं और हम एक नई दिशा निर्देश देंगे। इसी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी मेथडोलॉजी क्या है, हम अपनी रिसर्च कैसे करेंगे। चौथा इम्पोर्टेंट सवाल लिटरेसी रिव्यू के बाद आता है कि हमारी जो है वो अप्रोच क्या होगी। देखिए सोशियोलॉजी में हम बात करते हैं मेथडोलॉजी, मेथड्स एंड मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी इज लार्जर पर्सपेक्टिव जिसमें हम एक मान लीजिए जैसे जो भी रिसर्चेस मैंने की जो मैं आपसे शेयर कर रही थी वो फेमिनिस्ट मेथडोलॉजी में थी। मैंने उसमें जो एक मेथडोलॉजी ली थी वो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी को एक क्रिटिकल दृष्टि से देखने की ली थी और वो क्रिटिकल दृष्टि जो थी वो फेमिनिस्ट मेथडोलॉजी से ली थी कि हाउ वुमेन लुक एट द वर्ल्ड। सो दैट नाउ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव कम्स फ्रॉम the feminist methodologies which are challenging the mainstream methodology or mainstream sociology ko jo challenge kar rahe hain wo apni baat naye tarike se kar rahe hain ki main conflict ko aise abhi jaise covid 19 nahi hai to covid 19 ko bhi aapne dekha hoga bahut sare webinars hue ki how women are being affected, how it has impacted women। main chota sa example do ki bahut lamba nahi hoga, pahadi kshetra mein ab auraton ki responsibility na sirf is cheez ki badi ki wo घर में सफाई सुथराई रखेंगे, उनको सफाई के लिए भी डबल पानी का इंतजाम करना था, दैट मींस डबल प्रेशर ऑन देयर टाइम। और उसके बाद घर के सब लोगों का न्यूट्रिशन और अपना न्यूट्रिशन भी, और जब वो बाहर जा रही हैं तो वो कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे, तो यू नो इट हैज इट्स ओन इम्प्लीकेशन। और दूसरी बात बहुत सारा जो एक नए रिसर्च का एस्पेक्ट आया तो अभी मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, जितना मैंने सुना और पढ़ा कि डोमेस्टिक वायलेंस के भी इश्यूज जो हैं वो बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज बढ़ने के कारण जो रहे हैं वो बहुत ज्यादा सामाजिक और आर्थिक है, क्योंकि अगर वो हाउसवाइफ थी और उसके हस्बैंड अर्निंग थे, नौकरी चली गई, नौकरी जाने के बाद वो किस तरह से घर को मैनेज करना, वो कल है, वो कलेश, वो हेल्थ फैसिलिटीज, तो हो सकता है ये एग्रीवेट हुआ हो। सो यू नो सो द बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट, द थियोरेटिकल मैपिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, इट कैन बी फंक्शनल स्टडीज, इट कैन बी। लेकिन अभी जैसे आप कहिए कि पेंडेमिक, हम पेंडेमिक्स पे कैसे स्टडी करें, तो फंक्शनलिज्म ने कहा है कि समाज में जो भी कार्य होता है उसकी एक रेलेवेंस होती है। फंक्शनलिस्ट तो कहते हैं कि हर आपदा, हर जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी इवेंट होता है वो एक तरह से सेफ्टी वॉल की तरह होता है, वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसके लिए आप अपने आपको प्रिपेयर कर लीजिए। सो यू नो डिफरेंटली, सो वी हैव थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सोशियोलॉजी के पास, सोशल साइंसेस के पास, उस तरह का सोशल साइकोलॉजिकल एनालिसिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ डू यू ट्रीट विद पीपल, हाउ डू यू कंट्रोल सोशल एंग्जाइटी। इस वक्त जब सोशल एंग्जाइटी है हमारे समाज में, हम उसको देखेंगे कि हमें उसे कैसे कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं कि उसकी मेथडोलॉजिकल उसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा। मेथडोलॉजी के बाद आता है मेथड्स कि हम उसको हमारे टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन के, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो हमारे हमारी स्टडी के ऊपर, हमारे प्रपोजल के ऊपर निर्भर करते हैं। जब हम एक बार जो उसमें थ्योरीज है उनका अध्ययन कर लेते हैं, उनको जान लेते हैं, तो हम फिर अपने मेथड्स के ऊपर तवज्जो देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने एक प्रपोजल अपना डाला तो मेरे नज़दीक जो था कि मैं क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहती थी, ऐसा नहीं था कि उसमें क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं हो सकती, कि हम क्वांटिटेटिव मतलब इंटरव्यू करके हम वो भी कर सकते थे। तो क्योंकि जब एक डेडलॉक आया तो हमने कहा कि ठीक है हम लोग मिक्स मेथड करेंगे, आपकी भी इससे बात पूरी हो जाएगी कि आपको ये लगेगा कि अगर आपने एक स्टडी स्पॉन्सर की है तो आपने एक अच्छी खासी यूनिवर्स, उनका जो कंसर्न था कि हमने एक बड़े यूनिवर्स को कैप्चर किया है और ये जो यूनिवर्स है ये रिफ्लेक्टिव है, रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो सैंपल है ये रिप्रेजेंटेटिव है पूरे यूनिवर्स का। सो यू नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। नाउ अब फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी रिसर्च का एक टाइम टेबल होना चाहिए और क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि रिसर्च में, क्योंकि ये अब एक्सपीरियंस के साथ आ चुका है, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, पीएचडी सुपरवाइज कर लिए हैं,
कि कई बार हम जो इस तरह के टॉपिक्स ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई इस पे तो हमारे से कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आजकल हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, हम लिविंग रिलेशनशिप की बात करते हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जी हमें तो इस पर काम करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन उसको थोड़ी सी आपको जो बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए और आपका इतना रेपो होना चाहिए कि ठीक है अगर मैं होमोसेक्सुअलिटी से बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं एम्पिरिकल स्टडी करना चाहती हूँ तो ये मेरा प्रोबेबल ये यूनिवर्स होगा, मैं यहाँ जाकर स्टडी करूंगी, ये लोग होंगे जो मैं जिनसे बात कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस स्टडीज ऑन सेक्सुअलिटीज आर गिविंग यू न्यू इनसाइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी स्टडी वुड कम विल फेस दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस। लेट मी टेल यू व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडी ऑन कम्युनल वायलेंस, so my sample was my study was comparative studies of Surat and Delhi riots. Delhi riots क्योंकि मैंने जो PhD का fieldwork शुरू किया था 94-95 में किया था तो मुझे आराम से बात हो जा रही थी, एक तो because Delhi riots में सिख विडोज थी तो मेरी एक उनके साथ connectivity भी थी, बात हो गई पंजाब में, but then I went to Surat so I had to come back twice. मेरी नहीं बन पाई वहाँ पे, वो लोग मुझे नहीं ट्रस्ट कर पाए कि ये क्यों आना चाह रही है, मैं ये क्यों स्टडी करना चाह रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में हमें रिसर्च एथिक्स को भी फॉलो करना, जब भी हम अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो हमें रिसर्च एथिक्स का भी ध्यान रखना होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च विद ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च विद चिल्ड्रन और विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, ऐसे विक्टिम्स तो इंसान। अभी एक नया आप लोगों को शायद इसकी जानकारी होगी कि रिसर्च एथिक्स कमेटी होती है हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, जो आपको प्रपोजल पास करती है, इवन ICSSR UGC, तो उसमें वो ये देखते हैं जब आप अपने रिसर्च कर रहे हैं तो उस दौरान आप किसी भी तरीके की क्षति जो है अपने रिस्पॉन्डेंट्स को नहीं पहुँचाते हैं। क्षति कैन बी दैट हार्म कैन बी यू डोंट हर्ट योर रिस्पॉन्डेंट्स और यू डोंट हार्म योर रिस्पॉन्डेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ मेकिंग देम टू रीलिव those days of violence, या वो जो memories को याद करते हैं, खासतौर से ये partition studies से, conflict की studies से ये बहुत important हो गया, जब आप इस तरह के लोगों से बात करें तो आप उनकी dignity का, आप उनके sentiments का ख्याल करके बात करें, तो ये दिक्कतें, ये सब चीज़ें research करने में कि proposal में ध्यान में होनी चाहिए, इसको mention किया जाना चाहिए। और जब आपका research proposal होता है उसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो होती है आपके की रेफरेंसेस क्या है, आप कभी भी ये मत सोचिए कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस पे कोई ध्यान नहीं देता, की रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो एंड का हिस्सा होता है आपके रिसर्च प्रपोजल का, उसमें आप जो है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने पूरी मैपिंग कर ली है कि रिसर्च में किस तरह की ये रिसर्च जो है कैसे हो चुकी है, कितनी हो चुकी है और अब आप क्या करना चाह रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग, योर एंगेजमेंट एंड योर होल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। यू नो एवरी रिसर्च मेक्स यू एक्सपर्ट, इवन व्हेन माय स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एमए डिसर्टेशन या वो बीए का प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर एक इंटेंसिव स्टडी करते हैं, एक गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, चाहे वो कोई छोटा सा ही टॉपिक क्यों ना हो, फैशन ही क्यों ना हो, हॉस्टल लाइफ ही क्यों ना हो, तो वो एक्सपर्ट होता है। तो अब आप जो है जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल तय करते हैं तो आप ये पब्लिक डोमेन में एक ये मैसेज देते हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड फ्रॉम एन एक्सपर्ट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एक्सपर्ट शुड हैव द नॉलेज व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द I mean, that's a very, very important question. So, how long should be your research is very important. कि आपकी research जो है, वो कितनी लंबी होनी चाहिए? Proposal तो आपका 2,000 से 2,500 शब्दों का हो सकता है, लेकिन आपकी research की duration क्या होनी चाहिए? ये depend करता है। जो हमारे जो ICSSR वगैरह प्रोजेक्ट्स देते हैं वो एक साल के होते हैं तो, लेकिन उनको हम माइनर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं नथिंग लेस देन 3 to 5 years एंड PhD रिसर्च जनरली इट इज 3 to 5 years, इट इज व्हाई इट इज 3 to 5 years क्योंकि पहले आपको कोर्स वर्क कराया जाता है, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया जाता है, फिर आपको थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया जाता है, आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप रिसर्च कैसे करेंगे,
और हर रिसर्च प्रपोजल में पायलट स्टडी के बारे में बात करनी चाहिए। पायलट स्टडी जो होती है, जो हम करते हैं, वो हमें बताती है कि आने वाले जो भी हमारा टूल होता है, जो हमारा मेथड होता है, उसको हम पायलट स्टडी के थ्रू टेस्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, खासतौर से सोशल साइंसेज में अक्सर ऐसा होता है कि आपने कुछ सवाल इमेजिन भी नहीं किए होते हैं, और जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको लगता है कि इन सवालों का उत्तर भी होना चाहिए। तो पायलट स्टडी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है किसी भी रिसर्च प्रपोजल का, जो रिसर्च करने से पहले the limitations which would come and you try to work on, you remove those hurdles from your research proposal so that you can further fine tune your research. ek aapki jo research ke bahut important pehlu hai wo ye hai ki there is a simple rule ki research proposal in the end I would say ki kya hona chahiye, research proposal aapka bilkul clear hona chahiye, concise hona chahiye, coherent hona chahiye. when I say clear to aapka proposal जो लिखते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना चाहिए जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, तो सबसे पहले अपने क्रिटिक को दीजिए। क्रिटिक मतलब आपका कोई दोस्त जो उसको पढ़े और वो बताए कि उसको क्या समझ में आया। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी जब मुझे बड़ी टफ लेटर्स लिखनी होती हैं, जो ऐसी लेटर लिखनी होती है जिससे मुझे कुछ इम्पैक्ट करना होता है, तो मैं हमेशा अपने बहुत ऐसे कुलीग को देती हूँ जो उसको पढ़े, मतलब फिर constructive criticism. Criticism सिर्फ इसलिए नहीं कि criticism करना है, constructive criticism जो उस field का जानकार हो उसके साथ share करती हूँ कि देखिए मैं जो कहना चाह रही हूँ ये इस बात से जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा है, that is very important. ये कहीं आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, but I would say that कि जब भी आप research करना चाह रहे हैं, जो research करना चाह रहे हैं उसका छोटी summary बना के अपने friend या अपने mentor या क्योंकि मेंटर के पास तो जाने में कई बार डर भी लगता है लोगों को, क्योंकि जिस तरह की हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम गाइड से बड़ा एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, वो मेरे हिसाब से गलत है। गाइड के साथ आपका एक लंबा रिश्ता है और उस पर वो बहुत बुनियादी तौर पर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, एक दूसरे से अपनी बात कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, एग्री एंड डिसएग्री के लिए भी हमें वी शुड यू नो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक मैच्योरिटी ऑफ द सुपरवाइजर एंड द स्टूडेंट दैट इज देयर। But still, see, I'm writing the research proposal. I've crossed that stage. So what I can do is I can share that proposal with my colleagues. They can give me critical feedback on it, that how can I improve wise. Concise. अपनी बात को कम शब्दों में कहने की कोशिश कीजिए, एक बात को दोहराइए नहीं, उससे भी जो है उसका रिलेवेंस कम हो जाता है। और कोहरेंट का मतलब है कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी बात की दूसरे अपनी एक एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, उसमें कोहेरेंसी एक लिंक होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ यू टॉक अबाउट, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मसलन छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना सीवी बना रहे हैं, तो सीवी मैंने ऐसा देखा नाम और फिर क्वालिफिकेशंस आ जाएंगे, नहीं, सीवी में पहले अपने बारे में बताइए आप कि आप कौन है, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशंस को बताइए अभी आप कौन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फ्रीलांस रिसर्चर हैं, आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आप क्या हैं, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो यू नो दैट इज यू नो इट शुड बी वेरी क्लियर कंसाइज एंड यू नो कोहेरेंट। सो यू नो दीज आर बी वेरी इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ मेकिंग अ रिसर्च प्रपोजल। And duration, I said, as it is. If it's a PhD proposal, it's a fixed duration. If it's a research proposal for any organization, you also have to mention very importantly in your research proposal that you know how your research proposal is going to make an impact. Last, इसका impact क्या? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी आप अगर आप फंडिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल जमा कर रहे हैं तो वो ये जानना चाहेंगे आपसे कि व्हाट आर द डिलीवरेबल्स। तो डिलीवरेबल्स का मतलब ये होता है कि इस रिसर्च से क्या होगा, कोई किताब आएगी, कोई पॉलिसी आएगी, कैसे ये सोसाइटी में, क्योंकि हमारी रिसर्च का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन।
तभी मैंने कहा जब आप अपना टॉपिक तय करें तो वो टॉपिक में एक नयापन होना चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट योर रिसर्च एज एन एजेंसी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू सेंड अ प्रपोजल फॉर फंडिंग देन यू हैव टू मेंशन अ टाइमलाइन, अ वेरी सिस्टमैटिक टाइमलाइन. दे एक्सपेक्ट यू टू राइट योर टाइमलाइन फॉर एवरी 6 months. इन दैट ऑल्सो यू हैव अ मिड टर्म प्रेजेंटेशन. मान लीजिए 3 साल का है तो आपको साल सवा साल के बाद कहा जाएगा कि आप मिड टर्म प्रेजेंटेशन दीजिए. और फॉर अ PhD के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप अपने 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए कि आपने, और इसलिए आपके पास टाइमलाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए अपने प्रपोजल की, अचीवेबल होनी चाहिए, डूएबल होनी चाहिए. थैंक यू. थैंक यू मैम, इट्स वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव सेशन. सो आई इनवाइट टू डॉक्टर राघवेंद्र नारायण एंड डॉक्टर क्रांति फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन. डॉक्टर राघवेंद्र. Please post your queries in the chat box. मैम देयर इज अ क्वेश्चन. There is a question from Sadhana Gupta that research proposal in how many pages? I said it should be between 1000 to 2000 plus maximum 5000. जितना concise bullet points से 6 points उसमें आने चाहिए, 6 heads होने चाहिए उसके अंदर. आप जितना संक्षिप्त में लिख सके उतना बेहतर. But all these 6 points should be covered. There is another question from Sabita. She is asking from where we will start our synopsis. Synopsis is we start your identification of the problem. What study? आपका synopsis basically एक synoptic view होता है. Synopsis का मतलब ही होता है synoptic view. कि वही एक तरह का रिसर्च, वही सिनॉप्सिस ही आपका रिसर्च प्रपोजल है. जैसे मैंने आपको कहा कि लिटरेचर से पहले जब आप जिस चीज पे रिसर्च करना चाह रहे हैं आप उसको उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे कि ये टॉपिक जिस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ उस पे अब तक क्या काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, और उसमें कौन सा ऐसा पहलू है, कौन सा ऐसा आस्पेक्ट है जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है. एंड ट्राई टू कवर दैट आस्पेक्ट इन योर रिसर्च. सर और कोई क्वेश्चन है? आगे सर नहीं मैम, और क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हैं. ठीक ठीक ठीक, तो मैं डॉक्टर पूनम को बुलाती हूँ फॉर वोट ऑफ थैंक्स. वन मोर क्वेश्चन देर. What is mixed methodology? Mixed method is when you use both quantitative and qualitative.
methods to do your research. So in these, the tools of data collection are, like for instance, I say quantitative, so aapka structured interview schedule ho jayega, survey method ho jayega. और दूसरी तरफ आप जो है केस स्टडीज ले लेंगे, ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, सो दैट यू सिंक्रोनाइज दिस इंफॉर्मेशन. यू आल्सो एट योर लेवल होता क्या है, यू नो फॉर इंस्टेंस व्हेन आई टॉक, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ. जब मैं हाफ वीडियोस की स्टडी कर रही थी और अगर मैं लिख रही हूँ, तो जब मैं लिख रही हूँ तो जाहिर सी बात है आप मुझे जवाब दे रहे हैं और आपके दिमाग में भी बहुत सारा काम चल रहा है. एंड मेरा क्वेश्चन मुझे इतनी मुनिवरेबिलिटी नहीं देता कि मैं आगे पीछे जाऊँ. But when I'm talking to you, I'm doing your case study. And when I'm doing your case study, और मैं आपसे मान लीजिए 6 महीने तक बात करती चली आ रही हूँ, तो आप मुझे इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देंगे अपने एक्सपीरियंस से, जो कभी कभी उसके परिमों से बाहर होती है. And all that insights are very important. It's very important to have those kinds of insights. So it's basically using both the techniques of data collection, that is quantitative and qualitative, to support and to substantiate both methods with each other. Hello. Hello. हाँ मैम. Okay. ठीक है. पूनम मैम को बुला लीजिए. हाँ. डॉक्टर पूनम मैम. हेलो. वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है. मैं पहले तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बता दूं, शायद उस समय वॉइस क्लियर नहीं हो पाई थी. हमारे साथ प्रोफेसर अरविंदर अंसारी जी ने लेक्चर दिया था अभी, जो जामिया से हैं, हेड है वहां पर, हेड एंड प्रोफेसर. तो मैम मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाह रही हूँ. आपने बहुत अच्छा, बहुत इंटरेक्टिव लेक्चर दिया है. इतना अच्छा है कि लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं एंड पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस बहुत कम हैं, बहुत ही कम है. बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था. आपने जिस तरह से क्लियर किया कि रिसर्च को विच इज नर्सिंग लाइक अ बेबी एंड मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, टाइम पीरियड में विद इन टाइम पीरियड होनी चाहिए, और किस तरह से आपने रिसर्च प्रपोजल को बताया कि विद कंसाइज होना चाहिए, कनेक्टिंग वे में आप लिखें एंड टाइम लिमिट्स के साथ लिखें. दैट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैम आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच ऑन द बिहाफ ऑफ माय कॉलेज एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माय होल टीम. योर लेक्चर वाज ऑसम एंड वेरी माय प्लेजर. Interesting, ma'am. Very interesting. Thank you so much, ma'am. Once again, and Dr. Vinita, ma'am, आप कुछ कहना चाह रही हैं? I thought. हाँ, मैं उन्हें thank you कहना चाह रही हूँ. Ma'am, you. Yes, ma'am. Well, thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. पार्टिसिपेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी, आई थिंक वेदर में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद कुछ लोगों को वॉइस क्लियर नहीं हुई थी. तो हम आपको एक रिकॉर्डिंग जो हुई है इसकी, वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे. सो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप. इफ यू ऑलरेडी डन देन प्लीज इग्नोर. एंड कल का जो शेड्यूल है वो भी आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे. ओके. Now today's Vinita ma'am, where is Vinita ma'am? Yes, Vinita, yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Now, we close for today. Yes.
ओके नाउ टुडे सेशन ऑल सेशंस इज ओवर एंड थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स टू बी विद अस एंड वी विल मीट नेक्स्ट फॉर टुमारो ओके थैंक यू ओके थैंक यू